The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, खुश होंगे मस्त होंगे अपने फैमिली के साथ? तो खुश रहो मस्त रहो। और आज का वीडियो में सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश हो गए, एकदम ब्रेकफास्ट करके सीधा चालू कर दिए ब्लॉग, क्योंकि आज होने वाला है माइल स्टेट वाला वीडियो। और आज जाने वाले हैं हम लोग सर्विस सेंटर, सर्विस भी कराने हैं बाइक का। तो उस दिन जाके पूछ के आए थे, फर्स्ट सर्विस लॉस्ट हो गया मेरा, सेकेंड सर्विस हो रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो को देखना और आप लोग को अच्छा ही लगेगा। और आप लोगों का कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग कैसे वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, या आप लोग कमेंट्स करो। पीछे का देख पा रहे हो, फैन बंद हो गया, पूरा गीला गीला हो जा रहा हूँ हम। तो उसी वजह से आप लोगों को बोलते हैं कि एक एक तो कमेंट करो कि आप लोगों को कैसा वीडियो देखना है, कमेंट करो। देखोगे अच्छा वीडियो आएगा ज़रूर से ज़रूर। और चलो देखते क्या होता है नहीं होता है, सीधा मिल जाए मोटर ब्लॉक सेटअप पे। पहले हमारा गाड़ी को कूल स्टार्ट दे देते हैं बाइक को, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कूल स्टार्ट में डाल दिए और पाइप तो नहीं मिला, इसी पाइप से हमको बनाने पड़ेगा। ये पानी का पाइप है और अभी पाइप निकालने के लिए अगर शोरू वाला पाइप लेने होगा तो उसके लिए फिर मैकेनिक का दुकान में जाने पड़ेगा। उसी के लिए हम इसी से ट्राई कर रहे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा टाइम ट्राई करेंगे, हो जाएगा शायद से। पाइप भी बड़ा है तो चलो देखते हैं, फुल स्टार्ट हो जाने दो गाड़ी को। उसके बाद किलोमीटर चल गया आप लोग को दिखाते हैं। बारह सौ बत्तीस किलोमीटर चल चुका है मेरा गाड़ी। तो भाई सर्विस के लिए निकल चुके थे लेकिन बारिश आ चुका है, थोड़ा देर के लिए वेट कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो चलो गाइस, आज का वीडियो कुछ अच्छे मौसम से चालू हो रहा है। रामपुर रोड है, जा रहे आज सर्विस के लिए। बारिश थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, उसी वजह से निकल चुके हैं हम। और रोड का हालात तो देख सकते हो, और सर्विस के लिए जा रहे हैं। बहुत किसी को बोले थे जाने के लिए, कोई जाने के लिए नहीं मांग रहा, इसीलिए सोचे कि अकेले ही निकल जाते हैं। ज़िंदगी में किसी का भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसा करना बेकार है गाइस, क्योंकि अकेला आए हो अकेला ही आने होगा और अकेला ही सब कुछ करने होगा। ये बात आप लोग को दिमाग में रखना है। हर टाइम तो सब नहीं निकलेंगे ना साथ में, कुछ कुछ टाइम आप अकेला भी निकलने पड़ता है कुछ करने के लिए। और अकेला जो भी करोगे वही सही होगा, अकेला में जो मज़ा है दूसरों में नहीं मज़ा, वो सब मज़ा दूसरों में नहीं है। तो ब्रिज का थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, पाँव को थोड़ा उड़ाने पड़ रहा है क्योंकि पाँव में थोड़ा पानी छिटक रहा है ना। और गाइस बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बारिश का छोटा छोटा बूंदा गिन रहा है। सर्विस सेंटर
जा रहे, देखे जाए क्या होता है नहीं होता। लेडीज राइडर साइड से निकल गया, ओवरटेक मार के हम उनको निकल चुके हैं। ये देखो KTM वाला निकले हैं दाएं से बाएं से, तो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके बाद आने का समय बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली जाने का समय ठीक ठाक से हम पहुंच जाए, इसी का वजह से हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। क्योंकि आने का समय नहीं भी वीडियो बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का भी चक्कर नहीं है। चक्कर तो एक ही बात का है, वो है कि भींग जाएंगे तो पूरा फिर तबीयत ख़राब होगा। कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब था ऐसे ही। और आप लोग कैसे वीडियो देखना चाहते हो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ गाइस। आप लोग के लिए इतना तो मेहनत बनता ही है कि आप लोग बोलो हम करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पूरा देखना। और जो भी भाई लोग नया नया वीडियो चालू कर रहे हैं ना मोटो व्लॉग, उन लोग के लिए मैं दो चार तो बातें बोलना चाहता हूँ कि जब भी बातें बोलो एकदम आस्ते आस्ते बोलो, जो आदमी समझ पाए। ऐसे नहीं कि ये रास्ता जो देख रहे हो ना कैसे रास्ता है, ऊंचा नीचे उबड़ खबड़ रास्ता है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ मेरा जैसे कि हिलते हुए आवाज़ होता है वैसा आवाज़ हो रहा है। साउंड दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। रेनकोट लाने वाले थे हम, सोच रहे थे कि लाए लेकिन ला नहीं पाए, सोचा कि बारिश नहीं होगा। जब हम निकल रहे थे उस टाइम धूप था, इसी वजह से हम नहीं निकले लेके। पीरियड में एक तो चीज ठीक है कि ब्रिज का ये डाया चाप चाप के जाऊंगा तो बारिश नहीं गिरेगा। मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा मौसम में बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखो ये क्या कर दिया, बीच रास्ते में खड़ा कर दिया भाई। भारी जोर से आएगा तो फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा, फ़ोन नहीं भी ख़राब होगा तो मेरा जो जिसमें से रिकॉर्ड हो रहा है एडाप्टर वगैरह वो सब ख़राब हो जा सकता है। एडाप्टर और जो हेडफोन है माइक वो ख़राब हो सकता है। जैसे तैसे कल निकल जाए यहाँ से और बारिश थोड़ा से हो जाए बस। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो अकेला कुछ भी करने पड़ेगा। चक्का आ रहा पूरा घिंगाएगा लगता है। बहुत जोर से आ रहा था पीछे से। थोड़ा दूर जाके हम देख लेंगे ठीक ठाक से वीडियो आ रहे हैं कि नहीं और फ़ोन को खोल देंगे, क्योंकि हिंग जाएगा तो कैमरा का डिस्टर्ब हो सकता है। और कुछ दिन पहले ही डिस्प्ले चेंज किया हुआ है, पुराना वाला जो ओरिजिनल वाला डिस्प्ले था वो ख़राब हो गया था। आप लोग को हम बोले थे, आप लोग को दिखाया भी है, तो उसी का वजह से। और रिस्क नहीं ले पा रहे हैं उसी का वजह से, डुप्लीकेट वाला डिस्प्ले लगा हुआ है उसीलिए रिस्क नहीं ले रहे। और दूसरा बात है कि इसमें मेरा फ़ोन में स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हुआ है, वो भी एक दिक्कत है। पूरा भींग जा रहा है, खाली सिर बच जा रहा है। बाहर से लेना होगा हम लोग को, इंडिकेटर मार देते हैं।
इतना बड़ा बड़ा गाड़ी घुसा है क्या? थोड़ा सा ही बाकी है और खोल के कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाके ही खोलेंगे शोरूम का। वहाँ अरे बारिश में तो ये देखो रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर और शोरूम, ये जो डायनासोर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। रस्ता जा रहा है लड़का, देखो कैसे रिएक्शन ले रहा था डायनासोर। जो रस्ता जा रहा वो वाला जा रहा है आपका क्या बोलता है, क्या हार्ट बोला था उस दिन, बैनर्जी हार्ट। अकेला वीडियो बनाने में मजा तो आ रहा है, लेकिन ठीक है भाई जो भी है। इस टाइम तो बारिश का टाइम निकलना नहीं चाहिए, रेनकोट का अगर पैंट पहन लेते तो मेरा पैंट पूरा ठीक रहता है, पूरा कीचड़ कीचड़ से हो जा रहा है पैंट में। यहीं पर ही साइड कर देते हैं बाया में, वही तो आ गया यामा। हम सोचे कि यही वाला है, यामा का सर्विस सेंटर आ चुका है, बाया में रोकने पड़ेगा। ये देखो यामा का सर्विस सेंटर, यहीं रोक देते। वहाँ पर ही मेरा गाड़ी का काम चालू हो गया, ये देख लो मेरा मॉन्स्टर का लुक। अभी जस्ट सर्विस करके ले गए, यह सब हालत हो चुका है, क्या ही बोलो गाइस, आप लोग समझ सकते हो मेरा दुख दर्द, क्या बोलो, कुछ बोलने का नहीं है। पूरा गाड़ी एकदम चकाचक होके रखा है, खाली वहीं पर ही थोड़ा धूल मिट्टी लगा है। ये सामने का लुक चेक कर लो, मोबाइल चेंज हो गया, बुलेट भी आप कर लिए, और बाकी रही है दो तीन तो काम, उसको दूसरा टाइम करा लेंगे बोल दिए हम लोग। ज़्यादा सर्विस में खर्चा नहीं हुआ, बस यही दोनों खर्चा था। इसको इसका मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है। सर्विस सेंटर वाला तो चाहता है कि हम लोग बिल बढ़ाए, तो आज बातें नहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे, यहीं पर ही वीडियो को कर लेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।